ये देखिए। तो अभी मैं आ चुका हूँ स्कूल से। अब मैं भी जा रहा हूँ स्कूल। और ये मतलब सेंटा क्लॉस टोपा है। और मैंने यहाँ पे ना सेंटा क्लॉस के मतलब सेंटा क्लॉस वाला ट्री बनाने के लिए मैंने ना ये डेकोरेशन का सामान लिया है। एक और नहीं प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट नहीं है पर। और तो अभी इस टोपे में मुझे मजा आ रहा है क्योंकि ये टोपा ना बहुत ना सॉफ्ट सॉफ्ट है। तो अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल। तो स्कूल के आने के बाद आपसे मिलता हूँ। काऊ मिल्क लेना है, आधा लीटर दूध ले लिए हैं। काऊ मिल्क से छेना बहुत सॉफ्ट निकल। एक नींबू ले लिए हैं, आधा लीटर दूध है तो एक नींबू ले लिए हैं। इसमें दो चम्मच पानी डाल देते हैं। विनेगर से भी फाड़ सकते हैं, सिरका भी बोलते हैं। दो चम्मच पानी डाल दिए हैं। दूध के बॉयल कर लेते हैं, उबाल आने तक ले बॉयल कर लेते हैं। रसमलाई आप घर में ताजा ताजा बना के कभी भी खा सकते हैं। इस बहुत आसान है बनाना रसमलाई, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप लोग भी घर में बना के आप लोग खाइए, बहुत आसान है बनाना रसमलाई। उबाल आ गया है अभी हमारे दूध में, गैस बंद कर दी गए है। अब इसको चलाते रहना है ना तो इसमें मलाई इसमें पड़ जाएगी। दूध का 5 मिनट चलाते रहना है ना तो इसमें मलाई पड़ जाएगी तो इसके छेना अच्छा ना निकलेगी। तो अगर अभी आपको ना थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि इसका ना वेपर ना हमारे कैमरे में आ रहा है तो इसलिए, तो वरना तो अभी हमारा ठीक ही है। दूध कैसे फरना है, एक बार नहीं पूरा डालना है नींबू के रस, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो हमें इसको कुछ ऐसे ही फाड़ना है, हल्के हल्के करछी से चलाना है जिससे आराम से एकदम स्मूथ बनेगा हमारा छेना। छेना फट गया है, देख सकते हैं ऐसे फट रहा है छेना अभी। और इसको 2 मिनट छोड़ देते हैं, ये अपने पूरा फट जाएगा छेना। पानी अलग हो जाएगा, छेना अलग हो जाएगा और फिर हम इसको बाद में फिर छान लेंगे। इसको देखिए, छेना अलग हो गया, छेना अलग हो गया है, पानी अलग हो गया है। अब छान देते हैं, छेना के छान लेते हैं। कॉटन के कपड़ा लेना है। तो हमें इसको कुछ ऐसे ही छानना है। तो अभी हम डाल रहे हैं इसमें चिल्ड वाटर, एकदम ठंडा ठंडा पानी ताकि ये ठंडा हो जाए। और इसमें जो हमने लेमन डाले थे ना, उस लेमन का ना इसमें ना खट्टापन ना हो, खट्टापन सारा इसमें सारा इससे निकल जाए। तो हमें इसमें पूरा डालना है। और अभी ये कुछ ऐसा हो गया है। और अभी हम इसके ना चारों साइड से पकड़ लेते हैं और इसको अच्छे से इसका पानी निकाल देते हैं। और हमें इस पे ना ज्यादा प्रेशर नहीं डालना अपने हाथ का, आराम से इसमें करना है ताकि ये आराम आराम से निकल जाए, वरना छेना हमारा ना हार्ड हो जाएगा। और फिर अभी हम इसको खोल लेते हैं और इसमें और वाटर डाल देते हैं क्योंकि हम नींबू हमने इसमें यूज किए थे ना, तो अभी भी नींबू का टेस्ट होगा। तो इसको ना हमें ना 2 से 3 बार ना वॉश करते जाना है। गाइस अभी हमारे यहाँ पे लाइट कट गई है तो अभी टांग के हम रख देते हैं आधा घंटे के लिए, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए आधा से चौथाई हिस्से ले लिए हैं चीनी। अब इतना चीनी डाल देते हैं और 5 बाउल पानी डालेंगे।
तो हमने 5 बॉल वाटर डाल दिए हैं, तो अभी हम गैस को करते हैं ऑन और इसको रख देते हैं कढ़ाई के ऊपर, मतलब गैस के ऊपर। तो हमें ना फ्लेम को ना हाई पे रखना है और इसको हमें ना चलाते रहना है, और इसको हमें ना सिर्फ ना, तो अभी हम अभी इसको उबाल आने तक वेट करते हैं चाशनी में। तो अभी हम रबड़ी बनाने के लिए 1/2 लीटर दूध ले लिए हैं और गैस को कर दिए हैं हाई और दूध को ऊपर रख दिए हैं, और अभी हम दूध में उबाल आने तक वेट करते हैं। तो मतलब गाइस इसको हमें ना पकाना है इतना कि ना ये दूध का ना आधा पोर्शन सिर्फ बचे। फुल क्रीम भी ले सकते हैं, भैंस का भी दूध ले सकते हैं, दूध आप ले सकते हैं जिससे आपका ना रबड़ी अच्छा बनता है, रबड़ी अच्छा बनेगा, जल्दी बन जाएगा रबड़ी मोटी दूध से। तो अभी हम डाले हैं रबड़ी में, मतलब दूध में चीनी 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 3 चम्मच, 1/2 चम्मच खाने वाला चम्मच से डाल रहे हैं, ज्यादा इसको मीठा नहीं करना है रबड़ी के। तो अगर आप ना ज्यादा चीनी डाल देंगे तो फिर ये ना चीनी ना ज्यादा मीठा होता है, तो फिर ना वो उसको ना बहुत मीठा बना देगा और आपको फिर ना ये ना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि बहुत मीठा मीठा हो जाएगा। तो अभी हमने काजू और बादाम को पतले पतले पीसेस में काट लिए हैं और ये खरबूजा का बीज भी हमने लिए हैं और ये हमने कुछ ऐसे काटे हैं और यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया है दूध। रबड़ी ऐसा तैयार हो गया है, अब इसमें फूड कलर मिला देते हैं, केसर भी डाल सकते हैं, फूड कलर भी डाल सकते हैं। तो हम इसमें येलो मिला रहे हैं, येलो फूड कलर मिला रहे हैं और फिर मिला डालते ही फिर हम इसको मिक्स कर रहे हैं येलो फूड कलर को। देख सकते हैं रबड़ी दूध थोड़ा सा और उसको उबाल लेते हैं। अभी हमारा रेडी हो गया है रबड़ी, आधा हो गया है देख सकते हैं, आधा मतलब हो गया है, हाँ आधा हो गया है रबड़ी, रबड़ी तैयार हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं इलायची पाउडर डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून डाल देते हैं और फिर इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि इससे ना टेस्ट आ जाए। और अभी हम डाल रहे हैं इसमें केवरा बॉटल, इसमें केवरा बॉटल डाल देते हैं 1 चम्मच खाने वाले से, 1/2 चम्मच डाल, 1/2 चम्मच और फिर इसको गैस की अप कर देते हैं, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, अब फिर फ्रिज में रखेंगे इसको रबड़ी, ठंडा करके फ्रिज में रखेंगे रबड़ी, ठंडा हो जाएगा तो फिर इसमें रसमलाई डालेंगे। तो अभी हम इसको खोल रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारा छेना, तो अभी हमारा छेना भी रेडी हो गया है, तो आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा हो गया है हमारा छेना। ये एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। तो अभी हमारा कुछ ऐसा हो गया है, आप देख सकते हैं हल्का गीला भी होएगा ना छेना, तो इसे पानी इसे आप सूख सकते हैं इसे। तो इससे पानी पूरा सूख जाता है, सूख लेता है ये टावल। अब इसको हथेली से इसको मैश करते हैं फिर। तो हमें छेना को ना कुछ ऐसे स्मूथ करते जाना है जिससे आपको बहुत ही अच्छा बनेगा, और ये एकदम हमें इसको ना एकदम सॉफ्ट करना है, जितना हम सॉफ्ट कर सकते हैं उतना हमें सॉफ्ट करते जाना है। तो आप इसमें ना मैदा भी डाल सकते हैं, अरारोट भी डाल सकते हैं। तो हम
तो अभी हमें कुछ ऐसे बनाना है और हम रसमलाई बना रहे हैं, तो हमें इसको ना चिपटा करना है और फिर रख देना है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मम्मी कैसे बना रही है। तो इसको कुछ ऐसे बनाना है, तो ऐसे करके हम सब बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने सब बना लिए हैं। तो अभी हमारी चाशनी में उबाल आ गई है, तो अभी हम इसमें डाल देते हैं अपना रसमलाई और इसमें से खुशबू भी आ रही है। एक ही एक करके डालना है, एक साथ ही सब नहीं डालना है, तो इसको उबाल कम आ जाएगी ना, तो ये बैठ जाएगा जाके रसमलाई, तो इसलिए अभी हम इसमें दो ही डाले हैं। तो अभी हमारे ये कुछ ऐसा हो गया है रसमलाई, ये बड़े बड़े भी हो गए हैं और इसको उबाल में पकाना है ताकि ये बबल ऊपर चाशनी आए और ये ऊपर से ही पक जाए। तो इसे हम ढक के पका रहे हैं, तो इसमें पानी कम पड़ जाए तो एक एक चम्मच ठंडा पानी डालना है, फिर इसको ढक देना है। मैं हम दूसरी बार डाल रहे हैं, तो अभी हम इसको पलट रहे हैं, ये देखिए जगह ही नहीं है इसलिए। जब तक हमारा रसमलाई पक रहा है तब तक हम ठंडे पानी में बर्फ निकाल लेते हैं, आइस। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा भी हो गया है रसमलाई, और इधर ये पीके निकल ही नहीं रहा है इसलिए पानी में डाल दिए, अब निकल जाएगा। हम इसमें डाल रहे हैं, अगर ये बैठ गया तो पक गया होगा, ये बैठ गया तो हो गया ये। तो अभी गैस को करते हैं ऑफ। तो अभी हम इसमें पूरा डाल देते हैं, तो अभी हम इसमें पूरा डाल दिए हैं, ये देखिए। तो हम इसको फ्राई करने जा रहे हैं, तो इधर हमने घी ले लिए हैं 1/2 टेबल स्पून और इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, किशमिश, पिस्ता, हाँ, बादाम। तो गैस को ऑफ कर दिए हैं, अब इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो अभी हम इसमें से पानी गार रहे हैं, निकाल रहे हैं, ये कुछ ऐसा है, और हल्का हल्के हाथों से प्रेस करना है इधर। अभी ये दो और बचे हैं, तो अभी हम इसमें डाल रहे हैं रबड़ी, ये देखिए। एकदम मस्त दिख रहा है, तो सारा रबड़ी डल गया है। तो अभी हम डाल रहे हैं ड्राई फ्रूट्स, अब देखिए कितना मस्त दिख रहा है। तो हमने सारा डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स, तो इसे हम 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि ठंडा हो जाए, तब खाने में मजा आएगा। तो अभी मम्मी इसको निकाल रही है एक बॉल में, और ये तो दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा है, और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं, एकदम यम्मी। ये देखिए अब फ्रीजर से, मतलब फ्रिज में से हमने निकाल लिए थे, तो ये देखिए अब मस्त दिख रहा है।
टेस्ट करो अब। अब बताओ कि कैसा बना है। बना है तो अभी टेस्ट करने जा रहे हैं कि कैसा बना है। रसमलाई कैसा बना है टेस्ट करके दिखाओ। जाओ जाओ। मैं उसके अंदर का तोड़ के दिखा रहा था। कितना स्पंजी बना है। इसके अंदर रस अच्छे से घुसा है, डेट मीन्स क्योंकि ये ऐसे दबा रहा है तो। स्पंजी कितना बना है ऐसे दिखा दो। तो इसका स्पंजी कुछ ऐसा है। दांते नीचे की जा रहा है। तो अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। रसमलाई में पूरा रबड़ी डिप हो गया है, पूरा एकदम घुस गया है रसमलाई में रबड़ी। देख सकते हैं आप लोग भी, एकदम सॉफ्ट बना है रबड़ी, एकदम सॉफ्ट है और बहुत ज्यादा टेस्टी है। बहुत बहुत ज्यादा इसके अंदर पूरी रबड़ी घुस गई है और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले थे, इससे और टेस्ट आ रहा है और ये रेस्टोरेंट जैसा है। तो अभी मैं तीसरा बाइट ले लेता हूँ। अच्छा लग रहा है खाने में। तो आप इसको घर पे भी ट्राई कीजिएगा है और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कैसा बना है। और आप कभी बताते नहीं है कि आपने ट्राई भी किए हैं। और ये जो जितने भी सामान है वो आपके घर में होता ही है। हाँ तो चलिए इस रेसिपी को मैं एंड करता हूँ। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दो। तो थैंक यू फॉर बाय। सबसे पहले आप इस रेसिपी को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। बाय।